वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। जैसे कि दिवाली आ गया है तो लक्ष्मी पूजन होगा और लक्ष्मी पूजन के लिए कलश तो चाहिए होगा, क्यों ना इस कलश को हम लोग अपने घर पे बनाएं। तो पोटैटो का स्लाइस लेना है और मटका लेना है हम लोगों को, और इसके लिए डिज़ाइन के लिए छोटा बड़ा मोती लिया है मैंने, और फैब्रिक आपके कलर के हिसाब से ले सकते हैं। पोटैटो का स्लाइस मैंने इसलिए लिया था ताकि हम लोग डिज़ाइन कर सके। तो पहले पूरे मटका को मैंने ऑरेंज कलर का डिज़ाइन दिया है, फिर उसके बाद ऊपर का पोर्शन मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है, और ब्लैक एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब जब ये पूरा बन जाएगा तब तो आप अच्छे से देख पाएंगे। तो पोटैटो का स्लाइस किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी ये इस वीडियो में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अब आगे जाके देखेंगे। मतलब इजी हो जाता है, ऐसे ब्रश से हम लोग करेंगे थोड़ा टाइम लेता है ना। तो पहले पोटैटो के स्लाइस को हम लोग शेप करेंगे। तो मैंने बर्फी का शेप किया है, आप अपने हिसाब से स्टार, सर्कल, स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरीके से इसको अटैच करना है। देख सकते हैं कि मटका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही जच रहा है। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्वास्तिक, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में लगेगा तो स्वास्तिक बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं ऐसी डिज़ाइनेबल क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास लेके आऊँगी, आप लोगों को हेल्प हो सके, खुद अपने हाथों से कुछ बना सके, कुछ सीख सके। देखिए यहाँ पर भी मैंने पोटैटो का स्लाइस यूज़ किया है डिज़ाइन के लिए, उस कलश के साथ मैच होने के लिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसको फिनिशिंग हम लोग करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग जिस कलर का जब यूज़ करते हैं उसका कम्बिनेशन हम लोग को पहले नोटिस में रखना चाहिए कि ब्लैक के साथ रेड मैच ज़्यादा करेगा या फिर येल्लो, ऑरेंज के साथ ग्रीन जाएगा या फिर ब्लैक। ये पहले कम्बिनेशन आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए, फिर उसके बाद आप कम्बिनेशन मैच कीजिएगा, देखिएगा वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि कलर कम्बिनेशन अगर आपके आपने सही चूज़ किया हो तो आप अपने कुछ भी चीज़ क्रिएटिविटी की है, कुछ भी पेंटिंग की है, कुछ भी किए है ना, उसमें क्या होगा अट्रैक्टिव दिखेगा। सो फर्स्ट चूज़ योर कलर। देखिए
इसमें मैं व्हाइट कलर का यूज़ करके मटका का फिनिशिंग वर्क दे रही हूँ ताकि और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। देख सकते हैं कि मटका अभी बिल्कुल कंप्लीट है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप सब अपने मन लगा के लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करें और दुआ है कि लक्ष्मी गणेश जी का कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे और दिवाली अच्छे से मनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली टू ऑल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।